नोएडा के सेक्टर 27 के कैम्ब्रिज स्कूल में नर्सरी क्लास में पढ़ने वाली एक मासूम के साथ डिजिटल रेप का मामला सामने आया। पेरेंट्स में गुस्सा है और इसी के चलते शनिवार सुबह स्कूल के सामने जमकर प्रदर्शन किया गया। फिलहाल ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल हाल ही में नर्सरी में पढ़ने वाली एक मासूम के साथ डिजिटल रेप की घटना सामने आई। आरोप लगे स्कूल में काम करने वाले स्टाफ पर, जिसका नाम नित्यानंद है। पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार पीड़िता के परिवार ने बताया कि वो गोरखपुर से हैं और नोएडा में रहते हैं। बच्ची जब एक रोज गुमसुम रहने लगी तो परिवार वालों ने मामले को प्यार से संभालने की कोशिश की। बच्ची ने बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ चुबाया गया है और तभी से उसे दर्द हो रहा है। बच्ची ने ये भी बताया कि उसे ये बात किसी को ना बताने की धमकी दी गई थी। परिजनों का कहना है कि बच्ची डर गई थी और स्कूल जाने से मना कर रही थी। इसके बाद बच्ची के परिजनों ने थाना सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के साथ साथ क्लास टीचर और सिक्योरिटी इंचार्ज को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि क्लास टीचर और सिक्योरिटी इंचार्ज ने इस घटना को छिपाने की कोशिश की। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर डिजिटल रेप क्या होता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाना रेप होता है। डिजिटल रेप भी इसी से ही जुड़ा हुआ है। इसका मतलब होता है कि ज़बरदस्ती प्राइवेट पार्ट में पेनिट्रेशन की जाए, पर किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के जरिए। यानी डिजिटल रेप वो अपराध है जिसमें पीड़िता की मर्जी के बिना उंगलियों से या हाथ पैर के अंगूठे से ज़बरदस्ती पेनिट्रेशन किया जाता है। डिजिटल रेप को पॉक्सो एक्ट में रखा जाता है। आमतौर पर डिजिटल रेप का ज़्यादातर शिकार महिलाएं होती हैं और ख़ासकर नाबालिग बच्चियां। और ऐसा इसीलिए क्योंकि छोटी बच्चियां इस तरह की घिनौनी हरकत को समझ नहीं पाती। ऐसे में पेरेंट्स का डर भी जायज़ है। जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल अथॉरिटी पर सवाल उठा रही हैं। पेरेंट्स का इस मामले पर क्या कहना है, चलिए आपको ये सुनाते हैं। मेरा नाम रमन जा है, मेरी बिटिया पढ़ती है यहाँ पे नर्सरी में। जो इंसिडेंट हुआ है वो नर्सरी के बच्चे के साथ में हुआ है, जो उसके मेंटल हरास किया, उसके साथ हरासमेंट सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। कोई नहीं बात हो रहा है, कोई फोन कॉल उसने उठ रहे हैं, कोई सामने से आकर के बात नहीं कर रहा है। हम सिंपल कह रहे हैं कि मैम आप हमारे हेडमिस्ट्रेस जो है आइए, हमसे बात कीजिए, हमें समझा दीजिए। आज पेरेंट टीचर मीटिंग था, डेलिबरेटली उन्होंने कैंसिल कर दिया, कोई आंसर नहीं मिल रहा। जो लोग इस घटना में पकड़े गए थे वो भी छूट के बाहर घूम रहे हैं। कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी सर छोटे छोटे बच्चों का? हमें तो डर लगने लगा है कि हम अपने बच्चों को कैसे भेजेंगे सोमवार से स्कूल। जब तक ये कुछ क्लैरिटी नहीं देंगे नहीं हो पाएगा। हम पूछ रहे हैं, लोगों को टाइम दे के बुला रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं यहाँ हो रही है क्योंकि छोटे बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात है, छोटी बच्ची को अकेले जाने का अलाउ किसने कर दिया उसको? जब हम नर्सरी के बच्चों के साथ में एक टीचर होती है, साथ में एक दाई होती है, जब बच्चा कहीं जाता है तो उसके साथ दाई जाना चाहिए ना। अगर दाई गई है और दाई के प्रेजेंस में है तो फिर तो सब मिली भगत कर रहे हैं ये। और यहाँ पे ये लोग चीज़ों को छुपा रहे हैं। आप छुपाओ नहीं, आप सामने आके कन्फ्रंट करो कि गलती हुई, हम इसको ये सही कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, कोई बात करने को तैयार नहीं है यहाँ पे हम लोग। मांग सबसे पहली मांग ये है कि जिस भी व्यक्ति ने किया है उसका फेस ऑफ होना चाहिए, उसके अगेंस्ट अलर्ट जारी होना चाहिए ताकि वो किसी भी स्कूल में, किसी भी बस सर्विस में कहीं भी एम्प्लॉय ना हो सके। सेकेंड में जिस टीचर ने किया है, सपोर्ट नहीं किया है बच्चे का, उसके साथ भी सेम ही होना चाहिए कि ऐसे टीचर को वही एम्प्लॉय ना करना है। कहीं भी ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। थर्ड है कि जो प्रिंसिपल है उनको इस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रिंसिपल को इसको लेके स्ट्रिक्ट होना चाहिए। उनके होते हुए ऐसे इंसिडेंट कैसे हो गए? बच्चे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बच्चे पेरेंट्स को बात नहीं बता पाते, पूरी बात नहीं बता पाते। इसने तो बता दिया, वरना कुछ भी होता किसी को नहीं पता चलता। दूसरा, टीचर्स हैं, इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। हम इनके भरोसे बच्चों को छोड़ते हैं, आगे आके ये लोग उस चीज़ को दबा रहे हैं, ये सबसे गलत बात है। ये तो अवेयर है, इन्हें तो एजुकेशन है। चलो आपने बोला दूर दराज में नहीं है, लेकिन वहाँ पर स्कूल्स हैं, वहाँ पर टीचर्स हैं, सबको अवेयरनेस है। पीटीएम होती है, पेरेंट्स को अवेयर किया जाता है, गवर्नमेंट रूल चला रही है। इतने छोटे बच्चे हैं तो नहीं आप बता सकते, क्योंकि अभी कोरोना के बाद बच्चे नहीं दौड़ पाते। मेरी भी दो बच्चे एक नर्स लैब में है, क्लास 5 में। अभी मेरी बेटी जब एडमिशन की थी 3 साल की थी, वो कुछ नहीं बता पाती।
अब वो जाके पढ़ी होगी थोड़ा वो बोलना सुनना सही तो क्या हुआ वो क्या नहीं हुआ कुछ नहीं आगे पुलिस फोन करते हैं मतलब बोलते हैं कैमरा लगा हुआ सब चीज़ें हम लोग इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं लेकिन वही चीज़ क्या करते हैं हमें पता भी नहीं है चार घंटे में तो ये बहुत खुश है यहाँ से सीखने को पढ़ता भी है मेरी बड़ी बेटी अच्छे से गई तो छोटी को भी अंडरस्टैंड कर पाए इस पूरे मामले पर स्कूल अथॉरिटी पर सवाल उठाना लाजमी है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकलिटी।